हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और हरियाणा में किसानों को समय पर पेमेंट करने के दावों का एक बार फिर हवा निकलते हुए दिख रही है। दरअसल झज्जर अनाज मंडी में उठान की समस्या से किसान काफी परेशान हैं। किसान सरकार के रवैये से पूरी तरह नाराज दिख रहे हैं। किसानों ने कहा है ना ये हमारे खाते में कोई पेमेंट आई है। झज्जर अनाज मंडी के प्रधान ने बताया कि सरकार ने 5 तारीख को गोदाम के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। 28 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया। पेमेंट का तो ऐसा है जी, हमारा 5 तारीख का वेरा उसके यहाँ पे बोली थी, तो 5 जमींदार का फोन आया था तलाव गांव से, सुखबीर सिंह का, बोला मेरी पेमेंट नहीं आई है अभी तक। तो हमारी तो 5 तारीख की पेमेंट नहीं आई है वेरा उसके, और एफड की भी पेमेंट जो है वो जैसे जमींदार के खाते में आती है, जमींदार बताता है तब पता चलता हमने भी पेमेंट आई है कि नहीं आई है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है 72 घंटे के अंदर। नहीं जी, सरकार जो 72 घंटे कह रही है वो बिल्कुल गलत है और नहीं वो प्रक्रिया पूरी हो रही। दावा था कि समय पर पेमेंट करेंगे, 72 घंटे से लेट हुआ तो हम ब्याज भी देंगे।